नमस्कार, मैं प्रिया। आज 14 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना के कारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में लगी पाबंदी। स्टेट बैंक ने फार्मासिस्ट क्लरिकल पद के लिए मांगे आवेदन। बिहार में 69 जजों का हुआ प्रमोशन। आज से शुरू होगा रमजान का पाक महीना। बिहार के 20 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोरोना ने एक बार फिर तोड़े सारे रिकॉर्ड। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 4,157 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 1,205 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भागलपुर में 346, गया में 250, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 20,148 पर पहुंच गई है। वहीं बिहार में टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। अब तक कुल मिलाकर के 53,23,930 लोगों को टीकाकरण का दोनों डोज दिया जा चुका है। वहीं बीते दिन के 24 घंटे की बात करें तो 56,487 लोगों को दोनों डोज मिलाकर के टीकाकरण किया गया है। वहीं पहले डोज के तहत 45,876, वहीं दूसरे डोज के तहत 10,611 लोगों को टीका लगाया गया है। स्टेट बैंक ने फार्मासिस्ट क्लरिकल पद के लिए मांगे आवेदन। भारतीय स्टेट बैंक ने फार्मासिस्ट क्लरिकल कैडर के 67 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट sbi.co.in/careers पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 मई है। SBI का यह भर्ती अभियान कुल 67 रिक्तियों को भरने के लिए है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को SSC या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए और इसके साथ ही फार्मेसी में डिप्लोमा भी होना चाहिए अथवा फार्मेसी में डिप्लोमा या इसके समकक्ष को योग्यता रखना जरूरी है। ध्यान रहे, ऑनलाइन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 23 मई को संभावित है। कोरोना के कारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में लगी पाबंदी। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके तहत कई सार्वजनिक स्थानों को बंद किया जा रहा है। इसी क्रम में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन ने अगले आदेश तक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में निजी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। मिली जानकारी के अनुसार जंगल सफारी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पहले की तरह ही संचालित रहेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सघन जंगल के बीच अवस्थित मठ मंदिर तक जाने के लिए प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के वाहन के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके बाद अगर आप भी मंदिर में प्रवेश करने के लिए जाते हैं तो आपको वहां से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। कोविड-19 के बढ़ते मामलों का असर अब VTR के पर्यटन पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही होटल और कैंटीन संचालक भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। मजदूर दिवस के दिन बिहार के श्रमिकों को बिहार सरकार देगी तोहफा। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण लोग अस्पतालों के चक्कर भी काट रहे हैं। इसी बीच बिहार वासियों को अस्पतालों का खर्चा कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी क्रम में अब बिहार सरकार सूबे के श्रमिकों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। श्रम संसाधन विभाग बिहार के निबंधित श्रमिकों को केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के निबंधित श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इस योजना से जुड़ने के बाद इन श्रमिकों 5,00,000 रुपए तक के इलाज मुफ्त में किए जाएंगे। सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच IAS को दी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं कोरोना को लेकर बिहार सरकार भी पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में अब बिहार सरकार ने अस्पतालों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 IAS को प्रतिनियुक्त कर दिया है, जिसके बाद इन IAS अधिकारियों की PMCH, NMCH और एम्स में नियुक्ति की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर पहले ही अधिसूचना जारी कर दी थी। ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव राजीव रोशन को PMCH, समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार को एम्स और उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित को RMCH में प्रतिनियुक्त किया गया है। आज पूरे देश में मनाई जाएगी अंबेडकर जयंती। भीमराव अंबेडकर की जयंती, जिन्हें हम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, भीमराव अंबेडकर का जन्म आज ही के दिन 14 अप्रैल को हुआ था। इस अवसर को पूरे देश में पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर को समानता और ज्ञान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अंबेडकर को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनके कांड विद्वता के लिए भी जाना जाता है, और यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। आज से शुरू होगा रमजान का पाक महीना। कड़ी इबादत का महीना आज से शुरू होने वाला है। बिहार के किसी हिस्से में चांद नजर नहीं आया, इसलिए शबाना महीने के 30 दिन पूरे होने के हिसाब से रमजान महीने की पहली तारीख आज से गिनी जाएगी। इससे पहले रोजा भी आज से शुरू होने वाला है।
पिछले साल की तुलना में इस बार मौसम और रोजे की टाइमिंग दोनों के हिसाब से रोजेदारों को राहत मिली है। पिछले साल 17 मई से रमजान की शुरुआत हुई थी, तब गर्मी का असर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। हालांकि इस बार 14 अप्रैल से रमजान शुरू हो रहा है, तापमान में भी लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मदरसा सुलेमानिया पटना की तरफ से जारी रमजान कैलेंडर के हिसाब से इस बार पहला रोजा 14 घंटे 24 मिनट का होगा, जिसके बाद 14 मई को ईद होगी। वहीं 29 को चांद हुआ तो 13 मई को ईद मनाई जाएगी। किलकारी के बच्चों ने बनाई कोरोना के माहौल में नई डिवाइस। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जिसका प्रमाण आपको समय समय पर मिल जाएगा। इसी बीच कोविड-19 के संक्रमण के दौरान पटना किलकारी बाल भवन के बच्चों ने अनोखे डिवाइस का विकास किया है। इस डिवाइस के इस्तेमाल से मास्क और सैनिटाइजर से मुक्ति मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह डिवाइस 8 मीटर की दूरी से ही संकेत देने लगेगा कि सामने वाला बीमार है या नहीं। कोविड-19 पॉजिटिव लोगों के बारे में पहले ही जानकारी देने में सक्षम रहेगा यह डिवाइस, जिसे आप संक्रमित के संपर्क में आने से आसानी से बच जाएंगे। आपको बता दें 10वीं क्लास के अर्पित और 12वीं क्लास के अभिजीत ने मिलकर एक थर्मल सेंसर प्रोटोटाइप को तैयार किया है, जिसकी मदद से आप भी इस रेडियस में आने वाले संभावित कोरोना पॉजिटिव का पता दूर से ही लगा सकेंगे। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के 5087 परीक्षार्थियों ने बदला अपना केंद्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के हजारों परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र बदल लिया है। खबरों की माने तो यह छात्र परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देंगे, जहां का विकल्प छात्रों ने सीबीएसई को दिया है। पटना जोन की बात करें तो 5087 परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र बदल लिया है। इसमें बिहार के 4000 और झारखंड के 1087 परीक्षार्थी शामिल हैं। परीक्षा केंद्र का बदलाव 12वीं से ज्यादा 10वीं के छात्रों ने किया है। पटना क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 10वीं के 3654 छात्रों ने अपना केंद्र बदलने के लिए आवेदन किया था। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बचाव के लिए सीबीएसई द्वारा केंद्र बदलने की सुविधा छात्रों को दी गई थी। इसमें छात्रों को परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प था, जो कोरोना के कारण दूसरे शहर में फंसे थे और अब वो उसी शहर से परीक्षा देना चाह रहे हो। बिहार के 20 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 15 अप्रैल से बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में आंधी के साथ साथ बारिश की संभावना देखने को मिल रही है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया सहित 12 जिलों में 16 अप्रैल को बारिश होने की संभावना है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बिहार, झारखंड, उड़ीसा होते पश्चिम बंगाल तक फैला है। झारखंड में जहां कई स्थानों पर हल्की बारिश हो रही है, वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। पटना के इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश मामले में फरार आरोपी की संपत्ति होगी जब्त। पटना के इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह के मामले में अब तक 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। हालांकि चौथे आरोपी मोहम्मद बउआ को पुलिस पकड़ नहीं सकी है। खबरों की माने तो वो पटना के रहने वाले हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पटना सिटी में छापेमारी की, लेकिन वो पकड़ा नहीं जा सका है। हालांकि खबरों की माने तो पुलिस मोहम्मद बउआ की संपत्ति कुर्की जब्ती की कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत है। इश्तिहार के आदेश के बाद पुलिस को 1-2 दिनों में हासिल हो जाने की संभावना जताई जा रही है। इश्तिहार मिलते ही उसकी संपत्ति की कुर्की जब्त की जाएगी। आपको बता दें कि रोडवेज का मामला सामने आने के बाद अब तक इस मामले में 3 आरोपी सौरव, पुष्कर और ऋतुराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन चौथा आरोपी अभी भी फरार है। बिहार के सहकारिता मंत्री के फर्जी फेसबुक अकाउंट से मांगे गए पैसे। सोशल मीडिया के जमाने में फ्रॉड भी काफी ज्यादा जोर शोर से बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही फर्जी हैकर्स के नए शिकार बिहार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह भी हो गए हैं, जिनके नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट तैयार कर लोगों से न सिर्फ फ्रॉड रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है, बल्कि पैसों की मांग भी की जा रही है। हालांकि जब मंत्री जी को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने आनंद फानन में एसपी पंकज कुमार के पास इसकी शिकायत की, जिसके बाद फर्जी अकाउंट को बंद करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री के नाम पर पैसे मांगे जाने खुलासा तब हुआ जब उनके नाम पर गोपालगंज के कुचाई कोट के तिवारी मटिहानिया के नीलेश कुमार मिश्र से मांगे गए 50,000 की मांग की गई थी, जिसके बाद युवक ने इसकी जानकारी एसपी को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मंत्री जी से इस संबंध में जानकारी मांगी तो वो भी हैरान हो गए। तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी को लेकर कही अहम बात। राज्यसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे को निशाने पर लेने का। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सुशील मोदी पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भाजपा ने उन्हें दरकिनार कर दिया है, इसलिए वो इस तरह का बयान देकर मीडिया में बने रहना चाहते हैं। मधुबनी कांड के पीछे भाजपा विधायक की भूमिका रही है। इस मामले में अब तक भाजपा नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खुद पीड़ित परिवार के लोग बयान दे रहे हैं।
रेरा के ओएसडी हुए कोरोना पॉजिटिव। रेरा के ओएसडी कोविड 19 से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया है। ऐसे में दो दिन के लिए पूरे कार्यालय को बंद करने का फैसला सुनाया गया है और इस दौरान सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। कार्यालय को दो दिनों के लिए बंद रखने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि रेरा के कार्यालय में जगह काफी कम है, ऐसे में संक्रमण बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा थी। ओएसडी के संपर्क में आए सभी अधिकारियों ने भी अपनी जांच करवाई है और एहतियात के तौर पर आइसोलेट अपने आप को भी कर लिया है। इसके साथ ही कार्यालय शास्त्री नगर में और राजधानी पटना के शास्त्री नगर में कोविड 19 संक्रमण वर्तमान में काफी समय में ज्यादा फैला हुआ है। लगातार इस इलाके में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और कोरोना केस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में कोविड 19 से बिगड़े हालात के बीच एनएमसीएच पहुंचे मंगल पांडे। बिहार में कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण से जहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं मरीजों की जान जाने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एनएमसीएच अस्पताल के नवनिर्मित मातृ शिशु हॉस्पिटल विभाग बीते दिन पहुंचे, जहां कोविड 19 मरीजों से मिलने के बाद उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए ये भी कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सूबे की सरकार में स्वास्थ्य विभाग तत्पर है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 44 बेड और बढ़ाए गए हैं। आज रात में एम्स में भी बेड की संख्या बढ़ा दी जाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है मानी जाती है। सिखों के गुरु अर्जुन देव का 1563 में आज के दिन जन्म हुआ था। औरंगजेब ने 1659 में दिल्ली पर हुकूमत की लड़ाई में दारा को आज के दिन हराया था। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 1891 में जन्म आज के दिन हुआ। भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय अभियंत्रक एम विश्वेश्वरैया का 1962 में जन्म आज के दिन हुआ। 2005 में अमेरिका और भारत ने अपने अपने उड़ान क्षेत्र एक दूसरे की एयरलाइंस के लिए खोलने पर आज के दिन समझौता किया था। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार शास्त्रीय गायक और सरोद वादक अली अकबर खान को 1922 में जन्म आज दिन हुआ था। 20वीं सदन में महान संत और समाज सेवक रमन महर्षि ने 1950 में दुनिया को अलविदा आज के दिन कहा था। बिहार के 69 जजों का हुआ प्रमोशन। बिहार में 69 जजों का प्रमोशन कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सब जज से एडीजी के रूप में इनकी प्रोन्नति कर दी गई है। प्रमोशन के बाद इन्हें विभिन्न जिलों के पद पर पद स्थापित कर दिया गया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से भी नई अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत बिहार के विभिन्न जजों में सब जज और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में कार्यरत 69 जजों का प्रमोशन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में करने का आदेश जारी किया गया है। इन पदाधिकारियों को साल 2019-20 के लिए निर्धारित 65% कोटा के तहत जिला न्यायाधीश वर्ग नियमित प्रोन्नति दी गई है, जिसकी पूरी सूची सहकारिता विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। कोविड 19 की चपेट में आए भोजपुरी स्टार निरहुआ। कोविड 19 धीरे धीरे अब तक कई कलाकारों को अपने चपेट में ले चुका है। इसी क्रम में भोजपुरी स्टार निरहुआ भी अब कोविड 19 की चपेट में आ गया है। मिली जानकारी के अनुसार निरहुआ के अलावा फिल्म के क्रू के 2 सदस्य भी कोविड 19 की चपेट में आ गए हैं। इन दिनों वो अपनी फिल्म सबका बाप अंगूठा छाप की शूटिंग उत्तर प्रदेश के बांदा में कर रहे थे। इनमें एक कैमरा पर्सन और एक असिस्टेंट शामिल है। फिल्म के निर्देशक पद्म सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं निरहुआ ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट किया, जिसमें वो कोविड 19 की जांच करवाते नजर आ रहे हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने अपने ही गीत का एक फनी कैप्शन डाला है और लिखा है, कोविड 19 तोहरी बहिन के टीरीरी पू। शहीद इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार के परिवार से मिले मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। बिहटा के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मंत्री नीरज कुमार बबलू के साथ शहीद इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार के पीड़ित परिवार से बीते दिन मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग में अपनी जान गंवाने वाले जाबाज इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बिहार सरकार ने उठाने का ऐलान जारी कर दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और वन एवं पर्यावरण कल्याण मंत्री नीरज सिंह बबलू मंगलवार को शहीद थाना प्रभारी अश्विनी कुमार के पैतृक घर पूर्णिया के जानकी नगर थाना के पाचो मंडल टोला पहुंचे थे, जहां इस दौरान उप मुख्यमंत्री और मंत्री नीरज सिंह बबलू ने परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद मुहैया करवाने का आश्वासन भी दिया। नल जल योजना में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग ने आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नल जल योजना में गड़बड़ी करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश के बाद नल जल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति में बाधा होने पर आप 9122400777 पर व्हाट्सएप या 1860-3455555 नंबर पर फोन और मोबाइल ऐप PRD.BGSYS.co.in पर सूचना दे सकते हैं। इस पर समय सीमा के भीतर अविलंब कार्रवाई होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है।
बिहार में विश्वविद्यालयों के अधिकारी नियुक्ति के नियम में हुआ संशोधन। बिहार के विश्वविद्यालयों के अधिकारी नियुक्ति के नियम में संशोधन कर दिया गया है, जिसके तहत अब कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव, विभागाध्यक्ष, अंगीभूत कॉलेज के प्राचार्य के अलावा सभी पदाधिकारी की नियुक्ति में संशोधन कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब नियुक्ति विश्वविद्यालय की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति करेगी। सरकार ने इस आशय में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए अब तक किसी भी प्रकार की नियमावली नहीं थी, मात्र कुलपति की अनुशंसा पर ही नियुक्तियां हो जाया करती थी। पंचायत चुनाव को लेकर आज दिल्ली में होगी दोनों निर्वाचन आयोग की बीच अहम बैठक। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है, हालांकि तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। वहीं इस बीच आज राजधानी दिल्ली में राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के बीच में अहम बैठक का आयोजन करवाया गया है, जिसके बाद पंचायत चुनाव को लेकर कोई बड़ी खबर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव में मल्टीपोस्ट ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एनओसी लेने की शर्त को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, हालांकि को लेकर पंचायत चुनाव का सारा मामला अटका हुआ है। पहली जीत की तलाश में आरसीबी के खिलाफ आज उतरेगी सनराइजर हैदराबाद। आईपीएल के सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर सभी टीम अपना एक एक मैच खेल चुकी है, जिसके बाद अब सभी टीम एक दूसरे के साथ दोबारा से भिड़ती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पहले मैच में जहां जीत मिली थी, वहीं आज भी जीत के इरादे से सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ टीम मैदान में उतरेगी। इसके साथ ही सनराइजर हैदराबाद को हार का स्वाद चखना पड़ा था, लेकिन आज आरसीबी के खिलाफ जीत की पूरी कोशिश करती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि आरसीबी ने 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस को हरा कर अपने अभियान का आगाज किया था। वहीं डेविड वार्नर की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद को पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स से हार का सामना करना पड़ा था। अब व्हाट्सएप ग्रुप पर आपकी मर्जी से गायब हो जाएंगे मैसेजेस। पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने हाल ही में डिसअपीयरिंग मैसेज का फीचर जारी किया था, जिसके बाद यूजर के मोबाइल फोन से अपने आप ही मैसेज गायब हो जाएंगे। वहीं अब व्हाट्सएप ने एक नया फीचर जारी किया है, जिसके तहत कंपनी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स को भी डिसअपीयरिंग मैसेज की कंट्रोल देने जा रही है। WA Beta Info की रिपोर्ट के मुताबिक नए फीचर के आ जाने के बाद किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के साथ इसके मेंबर्स भी डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर को इनेबल या डिसेबल कर पाएंगे। फिलहाल यह सुविधा सिर्फ ग्रुप एडमिन तक ही सीमित है। कोरोना से ठीक होने के बाद अक्षय ने किया पहला ट्वीट। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार ने कोविड को मात दे दी है। इस बारे में उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना पहले ही जानकारी दे चुकी है। वहीं कोरोना को हराने के बाद अक्षय ने अपना पहला पोस्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नए साल पर फैंस को विश किया है। उन्होंने कहा है कि नव संवत्सर विक्रम संवत 2078 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिसके बाद लोगों ने तरह तरह के जवाब भी दिए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नीतीश कुमार, नीरज कुमार, सोनी कुमारी, प्रदीप कुमार, संजय कुमार, रवि पासवान, शंकर कुमार, अनुज माही, संजय सिंह, राकेश कुमार, ललित कुमार, अनुज कुमार, ओमकार सिंह, प्रीतम कुमार, असलम राज, अशोक मिश्र, रमेश ठाकुर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपको नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच आपके इलाके में सही से गाइडलाइन फॉलो हो रहा है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।